सो बिगेस्ट लेक है ये, और यहाँ पे अपनी बाइक भी। इसके अलावा मेरा जो सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट एसेसरीज है वो है हैंडल बार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, और आई एम होपिंग एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड ड्राइविंग सेफ। तो आजकल मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ मेरे वीडियो पे कि मैंने क्या क्या एसेसरीज लगाई है अपने होंडा सिविक 350 RS के लिए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। मैं अपने बाइक का एक वॉक थ्रू दूंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एसेसरीज लगाई है अपने बाइक में, जो मस्ट हैव एसेसरीज है होंडा सिविक 350 RS के लिए। सो जो भी ये बाइक परचेज करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये सारे एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लगाने के बाद आपकी राइडिंग और ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, आपको मजा आने लगेगा, एक कम्फर्ट आने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एसेसरीज जो मैंने अपने बाइक में लगा रखी है। तो जो भी एसेसरीज मैंने अपने बाइक में लगाई है उसके पीछे दो रीज़न है, दो या तीन रीज़न समझ लो। एक नेसेसिटी है कि वो एसेसरीज की ज़रूरत है उस बाइक में। सेकंड, कुछ ड्रॉबैक है बाइक में जिसके कारण से मैंने वो एसेसरीज लगाई है। थर्ड, कुछ एसेसरीज है जो बाइक के लुक को इन्हांस करने के लिए है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, दिखाऊँगा भी आपको कि ये एसेसरीज क्या हैं, कहाँ से मैंने परचेज करी है, आप कहाँ से परचेज कर सकते हो बेसिकली। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एक्सेसरीज जो हैं वो मस्ट हैव एक्सेसरीज हैं होंडा सिविक 350 RS के लिए, क्योंकि उससे ये बाइक काफ़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, और इसका राइडिंग बहुत अच्छा हो गया है पहले से, मतलब बेटर हो गया है, खासकर इसको इम्प्रूव कर दिया है वो सारा एसेसरीज। तो मैं आपको बताऊंगा वो सारे एसेसरीज के बारे में, सो दैट आप भी अपने बाइक में अगर इस बाइक को परचेज करते हो आप उसको लगा सकते हो, या कोई भी बाइक में आप लगा सकते हो एज पर योर नीड। तो उसके बारे में वीडियो होने वाली है, बट अभी एक छोटे से काम से मैं बाहर निकला हूँ, तो आपको थोड़े से मैं मोटो ब्लॉक के नज़ारे दूंगा। उसके बाद मैं एक लोकेशन ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं शांति से आपको वो एसेसरीज दिखा सकूँ बाइक पार्क करके। तो चलो गाइस, कितने सारे अपार्टमेंट्स हैं इधर, ये सारे आई थिंक ब्रिगेड के अपार्टमेंट्स हैं। और ये रोड जो है वो सीधे हुडी की तरफ निकलता है, आपको यहाँ पे हुडी रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है। और ये थोड़ा सा पैच इधर घर पर है, पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा एरिया इन लोगों ने ऐसा छोड़ दिया है पूरा टूटा फूटा, ऑफ रोडिंग वाला एरिया है, बाइकर्स बोलेंगे कि ऑफ रोडिंग के लिए है। और बाइक एसेसरीज में जहां से परचेज करता हूं, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, कुछ मैंने शॉप से परचेज करे हैं, जिस शॉप से मैं परचेज करता हूँ या फिर जहाँ जाता हूँ उससे रिलेटेड भी एक वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने अपने बाइक का वाइजर लिया है, बट उसमें सब तरह के एक्सेसरीज अवेलेबल होते हैं, तो और वो सारे बाइक्स के एक्सेसरीज बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस होंडा से इसको लेके जाना है, आप कोई बाइक लेके जाओ, लो एंड बाइक लेके जाओ, हाई एंड बाइक लेके जाओ, BMW ले जाओ, ट्रैम्प ले जाओ, सबसे रिलेटेड उनके पास एक्सेसरीज होती है, उनका अपना सर्विस सेंटर है। तो आप जाओ, अपना एक्सेसरीज सेलेक्ट करो, पसंद करो, अपने प्राइस बात करो, और उसके बाद उस सर्विस सेंटर में आप उसको सेम टाइम इंस्टॉल करा के वापस आ सकते हो। ये देखो गाइस, ये है लेफ्ट हैंड साइड मेरे हुडी स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन्स भी रुकती हैं, सारी ट्रेन नहीं रुकती है बट कुछ ट्रेन तो जरूर रुकती है। सो गाइज, ये व्यू देखो, क्या मस्त तालाब का व्यू है जिसके किनारे आज हम ये बाइक एसेसरीज को लेके बात करने वाले हैं। सो बिगेस्ट लेक है ये, और यहाँ पे अपनी बाइक भी खड़ी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस बाइक का 360 डिग्री व्यू देख लो चारों तरफ से, ये बाइक कैसे दिखती है विद ऑल द एसेसरीज। Oh,
ओके गाइस, जो सबसे पहला एसेसरीज है वो है मडगार्ड एक्सटेंडर, क्योंकि इसमें मडगार्ड इन्होंने काफ़ी छोटा दे रखा है, यहाँ तक ही आता है, तो इसको मैंने एक एक्स्ट्रा मडगार्ड एक्सटेंडर से एक्सटेंड किया है जो कार्बन रेसिंग कंपनी का है। एक्चुअली अगर ये छोटा रहेगा तो इसके कारण ये सारा कीचड़ जो बारिश में आप चला रहे हो या ऑफ रोडिंग में चला रहे हो वो उड़ के ये इंजन पे आता है, या फिर आगे जो राइड कर रहा है उसके ऊपर भी ये कीचड़ आ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो एसेसरीज मैंने लगाया है वो ये हेड ग्रिल, आपने देखा होगा, जो ये हेडलाइट को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा इम्पोर्टेंट कि ये लुक को भी काफ़ी इन्हांस कर देती है। ये मोटेक कंपनी की है, जो मैंने यहाँ एक शॉप से लिया है, बट आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और ये यहाँ पे बेंगलोर में एक हर्ज मोट करके कंपनी है, वो एसेसरीज बाइक रिलेटेड ही बेचती है सारे बाइक्स का, उसका भी वीडियो मैंने चैनल पे बना रखा है, तो मैंने वहाँ से वो लिया है। वाइज़र या विंडशील्ड, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ये कार्बन रेसिंग कंपनी का है, जिसका आप लोगों यहाँ पे देख सकते हो। तो कार्बन रेसिंग के सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, आप उस पर ट्रस्ट करके उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, उनका ऑल इंडिया डिलीवरी है। मैं ये बहुत सारे जो उनके ऑथराइज शॉप होते हैं वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, तो मैंने ऑथराइज शॉप से लिया है, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके इसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ये रैप लगाया है दोनों साइड ग्रिल में, गोल्डन रैप, जस्ट टू इनहांस द लुक। ऐसे ये कुछ आपको फिजिबिलिटी नहीं देता है, ये बस लुक को ही इनहांस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एसेसरीज मुझे ये बैकरेस्ट लगता है, जो पिलियन के लिए बहुत कंफर्ट और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस बाइक में कोई बैकरेस्ट नहीं है, तो ये लगाना तो मस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ पिलियन को हमेशा ये लगेगा कि वो पीछे की तरफ फॉल कर रहा है। इसको लगाने के बाद ये काफ़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करा दिया है जो भी मेरे साथ इस बाइक पे बैठता है। मोबाइल होल्डर डाला है जो विकूल कंपनी का है, अमेजन से मैंने मंगाया है। अच्छा, और ये जो बैकरेस्ट की मैं बात कर रहा था इससे पहले, ये भी मैंने अमेजन से मंगाया है, जो कंपनी सहारा शिफ्ट्स की है, आप इसका लोगो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी कंपनी है जाना, उसका भी बैकरेस्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी ड्यूरेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये मोबाइल होल्डर का बात कर रहा था, विकूल का है, काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आप बॉब का भी यूज कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और एक दूसरा आता है जिसमें चार्जिंग भी प्रोवाइड की होती है, तो आप साथ में चार्ज भी कर सकते हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा मेरा जो सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट एसेसरीज है वो है हैंडल बार रेजर, जो मैंने कार्बन रेसिंग कंपनी की लगाई है। तो मैंने ये क्यों लगाया, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपनी के साथ नहीं आती है, और जब भी मैं स्टार्टिंग में इसको राइड करता था इस बाइक को, तो मेरे शोल्डर्स और हाथ में काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि ये मुझे लगता है इसका हैंडल थोड़ा नीचा है, और अगर आपका हाइट 5'6" 5'7" है तो आपको ये पेन कर सकता है। तो मैंने ये कार्बन रेसिंग से हैंडल बार रेजर मंगाया, जो काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली इसमें फिट बैठ जाता है, क्योंकि इसी के साइज़ से इनको कार्बन रेसिंग वालों ने बनाया है। और इसको लगाने के बाद तो ये बाइक एकदम मक्खन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई हाथ में या पैर में पेन नहीं होता है, पैर में तो नहीं बट हाथ में कोई पेन नहीं होता है, शोल्डर में पेन नहीं होता है, और आप स्मूथली रॉन्ग राइट पे भी इसको लेके जा सकते हो बिना किसी पेन के। ऑल्सो मैंने ये टायर हगर भी डाला है, ताकि ये पीछे के भी मड को जब ये बारिश में चलेगी या ऑफ रोडिंग करेगी तो ऊपर पिलियन तक ना जाने दे, इसलिए मैंने ये मडगार्ड हगर डाल के रखा है। मैंने ये एक शॉप से ही लिया है, जो हर्ज मोट करके है बेंगलोर में, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा अवेलेबल था, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिल्ड इसका बहुत अच्छा है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा के रखा है, ताकि ये बैक साइड में मट से बाइक को, पिलियन को, सबको प्रोटेक्ट करके रखे। और ये कर भी रहा है, काफ़ी अच्छा है ये, और ये बाइक का लुक भी काफ़ी अच्छा खासा इन्हांस कर दे रहा है, और एक बल्की लुक दे रहा है। ये तो गाइस भेड़ भी आ गया है, जो मैं शूटिंग के समय